बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। हर सेंटेंस को कई तरीके से फॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, ताकि हमको स्ट्रक्चर्स पता चलें कि वर्ड ऑर्डर कहाँ कहाँ आगे पीछे किया जा सकता है, क्योंकि 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं तो कहीं से भी आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो उसको आप करेक्टली अच्छे तरीके से एंड कर पाएंगे और मैसेज को कन्वे कर पाएंगे, राइट। मान के चलिए एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, हमको कहना हो कि ठंडी हवा चल रही है। अब देखिए, इस बात को बताने के लिए कितने तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है। कोल्ड विंड इज ब्लोइंग, विंड एक्शन में ब्लो करती है, राइट, पानी फ्लो करता है। सो कोल्ड विंड इज ब्लोइंग एक तरीके से आपने कह दिया। अब दूसरा सेंटेंस है, ए कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग, ए कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग। देखिए, ब्रीज का मतलब होता है जो नॉर्मल आमतौर पर जो हवा चल रही होती है उसको विंड भी कहा जाता है और ब्रीज भी कह दिया जाता है। नॉर्मली नेटिव इंग्लिश में काफी ज्यादा कॉमन वर्ड है, तो दोनों यूज कर सकते हैं, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग या फिर ए कोल्ड ब्रीज इज ब्लोइंग। आप ये भी कह सकते हैं, कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ए कूल ब्रीज इज ब्लोइंग। तो कोल्ड और कूल दोनों वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ा सा ठंडे को, राइट। या फिर आप कह सकते हैं, द ब्रीज इज कूल टुडे, द ब्रीज इज कोल्ड टुडे। ब्रीज का मतलब ही हो गया कुल मिलाकर के बहती हुई हवा, द ब्रीज इज कूल टुडे। तो तीनों सेंटेंसेस का आप अल्टीमेटली एक मीनिंग देखिए कि तीनों का मतलब यही है कि हवा बह रही है और थोड़ी ठंडी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि कितने तरीके से सेंटेंस बन सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हवा धीरे चल रही है, हवा धीरे चल रही है, द विंड इज ब्लोइंग जेंटली। जेंटली भी कहा जा सकता है, स्लोली भी कहा जा सकता है, द विंड इज ब्लोइंग स्लोली, राइट। आप कह सकते हैं, द ब्रीज इज लाइट, राइट। देखिए, द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, एल वाई लगा दिया लास्ट में, जेंटली। अगर हम यहां पर कहते हैं द विंड इज ब्लोइंग जेंटल तो मजा नहीं आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पर कह दिया द ब्रीज इज लाइट, यानी कि जो ब्रीज है उसका कैसा स्ट्रेंथ है, लाइट है, राइट। या फिर अ लाइट ब्रीज इज ब्लोइंग, तो कहाँ आई एन जी लगा रहे हैं, कहाँ टू लगा रहे हैं, ये सारी चीजें थोड़ा समझने की जरूरत है। और ये कैसे समझ में आता है, ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश। सुनते चले जाइए सेंटेंसेस को, जहां ग्रामर समझ नहीं आए कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं अपना, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देंगे। जो भी समझाने लायक होगा अगर वो लिख के, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि इस सेंटेंस को इस तरीके से क्यों फॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो ए लाइट ब्रीज इज ब्लोइंग, इसका मतलब ये है कि हवा हल्की चल रही है, राइट, हल्की हवा ब्लो कर रही है, राइट। या फिर अ लाइट विंड इज ब्लोइंग, आप कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, द एयर इज मूविंग स्लोली। हालांकि ये एक टेक्निकली ट्रांसलेशन है, सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन ये कॉमनली कहा नहीं जाता है। ऊपर के तीन कह दिए जाएंगे, द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, या फिर द ब्रीज इज लाइट टुडे, या फिर अ लाइट ब्रीज इज ब्लोइंग, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तेज हवा चल रही है। अब अगर हवा तेज चल रही है तो वहां पर लाइट, जेंटली, स्लोली कह दिया गया। यहां पर तेज बताने के लिए आप कह सकते हैं, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, द विंड इज ब्लोइंग हार्ड। हार्ड का मतलब ये स्ट्रॉन्ग, गेटिंग माय पॉइंट। या फिर स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड, डोंट गो, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहां पर ब्लोइंग कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड। या फिर द ब्रीज इज स्ट्रॉन्ग टुडे, The breeze is strong today, यानी जो ब्रीज है, जो बहने वाली हवा है, it's a little strong today, right? Look at the next sentence, हवा में थोड़ी सर्दी है। अब हवा में थोड़ी सर्दी अगर आपको महसूस हो रही है, there is a bit of chill in the air, there is a bit of chill in the air, right? आप chill की जगह cold भी कह सकते हैं, there is a bit of cold in the air. Getting the point? तो जब आपको word order याद हो जाता है, समझ में आ जाता है कि there क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अवस्था बता रहे हैं, there is a bit of cold in the air. तो स्ट्रक्चर समझ आ गया तो वर्ड बदले जा सकते हैं, राइट। आप कह दीजिए, द एयर फील्स अ लिटिल कोल्ड टुडे, द एयर फील्स अ लिटिल कोल्ड टुडे। आज थोड़ा सा सर्दी महसूस हो रही है हवा में, द एयर फील्स अ लिटिल कोल्ड टुडे। आप कह दीजिए, इट्स स्लाइटली चिली इन द विंड, इट्स स्लाइटली चिली इन द विंड, द विंड इज स्लाइटली चिली टुडे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शायद कहीं बारिश हुई है। अब यहाँ पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगाने के लिए देखिए कितने सारे तरीके होते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बारिश का अंदाजा लगाएंगे, शायद कहीं बारिश हुई है, शायद वो लेट हो रहा है, शायद वो तुम्हारी बात समझ गया, शायद वो तुमसे गुस्सा है। कम से कम ये तो हर चौथा सेंटेंस हमारा ऐसे ही होता है कॉन्वर्सेशन में, जहाँ पे हम अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो अंदाजा लगाने के तरीके को देखिए, इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक इट रेन्ड समवेयर। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस हैं, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। अब यहाँ पर हम अंदाजा लगा रहे हैं, पहले बारिश हो गई है शायद, तो इट सीम्स लाइक, ऐसा लग रहा है, इट रेन्ड समवेयर, कहीं बारिश हो गई,
करीमा पॉइंट छोटे छोटे पोर्शन हैं, आप कहिए मे बी इट पॉइंट समवेयर, मे बी इट सीम्स लाइक का मतलब भी ऐसा लग रहा है और मे बी का मतलब भी हो सकता है इट पॉइंट समवेयर। गरिमा पॉइंट रेंट क्यों कह रहे हैं, बिकॉज पास्ट की बात कर रहे हैं, शायद कहीं हो गए हैं, मे बी इट पॉइंट समवेयर, राइट, या फिर इट माइट हैव रेंट समवेयर। इलिटरल ग्रामर है, ट्रांसलेशन करके बोल दिया है हमने, इट माइट हैव यानी कि पास्ट का अंदाजा लगा रहे हैं, इट माइट हैव रेंट समवेयर, शायद कहीं बारिश हो गई होगी, यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा है, इट कुड हैव रेंट समवेयर, इसका मतलब भी यही है कि आप कुड हैव लगा करके इंडिकेट कर रहे हैं कि आप पास्ट का अंदाजा लगा रहे हैं, इट कुड हैव रेंड समवेयर, दैट्स व्हाई द विंड इज लिटिल कोल्ड टुडे। गेटिंग माय पॉइंट, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, वो कनेक्ट आपस में होने लग जाएंगे, सो इट कुड हैव रेंड समवेयर, दैट्स व्हाई द वेदर इज अ बिट कोल्ड टुडे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, काश यहां भी बारिश हो जाए, कोई एक कंडीशन आती है, काश तुम पास हो जाओ, काश तुम्हें नौकरी मिल जाए, काश वो बात मान जाए, काश वो आ जाए, और सिर्फ काश नहीं है, अपनी हम एक फीलिंग बता रहे हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, हम ऐसा चाहते हैं हो जाए, सो आई विश आई होप, दो तरीके से और इफ ओनली, ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, आई होप भी कह सकते हैं, आई विश भी कह सकते हैं। देखिए, आई विश इट वुड रेन हियर टू, इट माइट हैव रेन समवेयर, आई विश इट वुड रेन हियर टू। देखिए, वुड हम यहाँ पर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कामना कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, हम इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये मेरी उम्मीद है, आई विश इट वुड रेन हियर टू, काश यहाँ पर भी बारिश हो जाए, राइट। इट आई विश के साथ वुड का इस्तेमाल कर देंगे, आई विश यू वुड गेट अ जॉब, यानी कि उम्मीद करता हूँ आपको जॉब मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, आई होप इट रेन्स हियर एज वेल, इट रेन्स हियर टू भी कहा जा सकता है, टू भी कह सकते हैं, एज वेल भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब है इन एडिशन, तो आई होप इट रेन्स हियर एज वेल, यहाँ पर भी बारिश हो जाए, या फिर कह सकते हैं इफ ओनली इट वुड रेन हियर, इफ ओनली का मतलब भी यही है कि आई होप, इफ ओनली इट वुड रेन हियर यानी कि काश यहाँ पर भी बारिश हो जाए, ये काफी ओल्ड फैशन है, अब कॉन्वर्सेशन में यूज होता नहीं है, लेकिन इफ ओनली का मतलब ये है, इफ ओनली इट वुड रेन हियर यानी काश यहाँ बारिश हो जाए, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर थोड़ी बारिश हुई तो यहाँ उमस हो जाएगी, अगर थोड़ी बारिश हो गई तो यहाँ पर उमस हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, सो इफ इट रेन्स अ लिटल, इफ इट रेन्स अ लिटल इट विल बिकम ह्यूमिड हियर, इट विल बिकम ह्यूमिड हियर। अब देखिए, जब हम यहाँ पर इट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है वी आर टॉकिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, आप ऐसे कह सकते हैं इफ इट रेन्स अ लिटल द एटमॉस्फेयर विल बिकम ह्यूमिड। गेटिंग माय पॉइंट, सो इट इज वेरी कोल्ड, हम कभी भी ज्यादातर ये नहीं कहते हैं द एटमोसफियर इज वेरी कोल्ड, द एटमोसफियर इज वेरी हॉट, इट लगा के अवस्था की बात हो रही है, सो इफ इट रेन्स अ लिटल इट विल बिकम ह्यूमिड हियर, यहाँ पर ह्यूमिडिटी हो जाएगी, या फिर आप कहिए अ स्लाइट रेन विल मेक इट ह्यूमिड हियर, इस स्लाइट का मतलब भी है, आप कह सकते हैं अ लिटिल रेन विल मेक इट ह्यूमिड हियर। गेटिंग माई पॉइंट, स्ट्रक्चर वही रहेगा, कुछ शब्द बदले जा सकते हैं, अ लिटिल रेन विल मेक इट ह्यूमिड हियर, अ बिट ऑफ रेन, लिटिल की जगह आप कह दीजिए अ बिट ऑफ रेन विल मेक इट ह्यूमिड हियर, यानी कि यहाँ की अवस्था को ह्यूमिड कर देगा, राइट। या फिर आप कहिए इफ इट रेन्स अ बिट द ह्यूमिडिटी विल राइज, इफ इट रेन्स अ बिट, अगर थोड़ी बारिश होती है द ह्यूमिडिटी विल राइज, इसका मतलब तीनों सेंटेंसेस का मतलब यही है कि भैया अगर थोड़ी बारिश हुई तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको रिपीट करने हैं और इनके बेसिस पे कुछ एक सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करनी है, और कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे, देन आई विल गिव यू ए लाइक, तो समझ जाइएगा कि आपका ठीक है सेंटेंस, और गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे। जैसे कि अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही, कई बार होता है कि भैया अच्छी बात है ऐसा नहीं हुआ, अच्छा है कि बारिश नहीं हो रही, दो सेंटेंसेस हैं, एक एक्सप्रेशन देना है, इट्स गुड, इतना कह दीजिए अच्छी बात है कि इट्स गुड, और क्या अच्छा है, दैट इट्स नॉट रेनिंग, अच्छा है कि वो नहीं आ रहा, इट्स गुड दैट ही इज नॉट कमिंग। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करा करें, थोड़ा तो स्ट्रेस होगा लेकिन काफी हेल्प मिलेगी कॉन्वर्सेशन में, एकदम फ्लुएंसी आती चली जाएगी। सो इट्स गुड, क्या अच्छा है, दैट इज नॉट कमिंग, आ नहीं रहा वो, या फिर इट्स गुड दैट इट्स नॉट रेनिंग, अदरवाइज इफ अ लिटिल रेन विल मेक इट ह्यूमिड हियर, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ा देगी, राइट। या फिर इट्स फॉर्चुनेट, इट्स गुड की जगह फॉर्चुनेट वर्ड यूज कर दिया है, अच्छी बात है, फॉर्चुनेट का मतलब ये किस्मत अच्छी होना, सो इट्स फॉर्चुनेट दैट देयर इज नो रेन, इट्स नॉट रेनिंग हियर, देयर इज नो रेन। गेटिंग माय पॉइंट, बेसिक से स्ट्रक्चर्स है, या फिर इट्स अ रिलीफ दैट इट्स नॉट रेनिंग, इट्स अ रिलीफ दैट इट्स नॉट रेनिंग, अदरवाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन विल मेक इट ह्यूमिड हियर, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आई होप साथ में रिपीट कर रहे होंगे आप, नाउ अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी और बढ़ जाएगी,
दूसरा व्यक्ति कह रहा है अगर बारिश नहीं हुई तो गर्मी और बढ़ जाएगी, इसमें भी स्ट्रक्चर है। देखिए, इफ इट डजंट रेन, अगर बारिश नहीं होती है, अगर वो नहीं आया तो, इफ ही डजंट कम, राइट, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो, इफ यू डोंट स्टडी, स्ट्रक्चर समझना है आपको बस। इफ इट डजंट रेन द हीट विल इंक्रीज, इफ इट डजंट रेन द हीट विल इंक्रीज, गर्मी और बढ़ जाएगी, राइट। अगला सेंटेंस है, इसी को दूसरे तरीके से बोल के देखिए, द हीट विल राइज इफ देयर इज नो रेन, द हीट विल राइज इफ देयर इज नो रेन, या फिर विदाउट द रेन इट विल गेट इवन हॉटर, इफ देयर इज नो रेन इट विल गेट इवन हॉटर। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक दूसरे को इंटरचेंजेबल करके आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इफ देयर इज नो रेन, अगर बारिश नहीं होती है, इसकी जगह बोल के देखिए, इफ देयर इज नो रेन इट विल गेट इवन हॉटर। इवन हॉटर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, और ज्यादा, अभी जो हॉट है उसके मुकाबले और ज्यादा गर्म हो जाएगा। सो विदाउट रेन इट विल गेट इवन हॉटर, और गर्मी हो जाएगी। यहाँ तीनों सेंटेंसेस में इट लगा करके हम बात किस चीज की कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द वेदर, राइट। आप कह सकते हैं इफ देयर इज नो रेन द वेदर विल बिकम इवन हॉटर, गेटिंग माय पॉइंट। वर्ड फिर आपको अपने आप फिट करना आ जाएगा, स्ट्रक्चर सीखना है। इफ देयर इज नो रेन फॉर टू मोर डेज, इफ देयर इज नो रेन फॉर टू मोर डेज द वेदर विल बिकम इवन हॉटर, मौसम और ज्यादा गर्म हो जाएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, गर्मी से लोग बीमार नहीं पड़ते लेकिन उमस से पड़ते हैं। जब उमस या घमस कहते हैं उसको, गर्मी से लोग बीमार नहीं पड़ते लेकिन उमस से पड़ते हैं। पीपल डोंट फॉल सिक, पीपल डोंट फॉल सिक फ्रॉम द हीट, यानी गर्मी से नहीं पड़ते, पीपल डोंट फॉल सिक फ्रॉम द हीट बट फ्रॉम द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से पड़ते हैं। नॉर्मल सा, पीपल डोंट फॉल सिक फ्रॉम द हीट बट फ्रॉम द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से पड़ जाते हैं। या फिर हीट डजंट मेक पीपल सिक, हीट डजंट मेक पीपल सिक, ह्यूमिडिटी डज, यानी कि इसमें घुमा फिरा के सेंटेंस को कहा जा रहा है कि गर्मी लोगों को बीमार नहीं करती है, हीट डजंट मेक पीपल सिक, ह्यूमिडिटी डज, गर्मी कर ह्यूमिडिटी कर देती है, राइट। या फिर इट्स नॉट द हीट, गर्मी नहीं है, इट्स नॉट द हीट बट द ह्यूमिडिटी दैट कॉजेज इलनेस, यानी कि इट्स नॉट माई ब्रदर बट आई हु डिड इट, यानी कि मेरे भाई ने नहीं बल्कि मैंने किया, इट्स नॉट माई ब्रदर बट आई हु डिड इट, गेटिंग माय पॉइंट। तो जब आप इस प्रकार का एक सेंटेंस बोलेंगे, इट्स नॉट द हीट बट ह्यूमिडिटी दैट कॉजेज इलनेस, तो आपको स्ट्रक्चर याद होगा और उसके बेसिस पे फिर आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे, राइट। तो ये तरीका क्या है कि आपको रिपीट करने हैं और इनके बेसिस पे भले गलत बने बनाने की कोशिश करो, बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस स्टार्टिंग में बोलने की कोशिश नहीं करनी है, सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा, ब्रशअप लाइफ टाइम चलता रहेगा, करते रहेंगे, राइट। सो अगर बारिश हुई तो किसानों का नुकसान हो जाएगा, अगर बारिश हुई तो किसानों का नुकसान हो जाएगा, इफ इट रेन्स, बिल्कुल सिंपल, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई या होती है, राइट, टेंस का मिलान नहीं करना है। सो इफ इट रेन्स द फार्मर्स विल सफर लॉसेस, इफ इट रेन्स द फार्मर्स विल सफर ए ह्यूज लॉस, बहुत नुकसान हो जाएगा। इफ इट रेन्स द फार्मर्स विल सफर लॉसेस, नुकसान होगा उनका या होंगे, लॉसेस जब कह दिया तो नुकसान हो जाएंगे, ये कॉमन है कहना। सो इफ इट रेन्स द फार्मर्स विल सफर ए ह्यूज लॉस, बहुत नुकसान हो जाएगा फार्मर्स का। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से कह दीजिए, द रेन विल कॉज, रेन कारण बन जाएगी किस चीज का, द रेन विल कॉज लॉसेस, लॉसेस का कारण बनेगी रेन, द रेन विल कॉज लॉसेस फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए, द रेन विल कॉज अ लॉट ऑफ लॉसेस फॉर द फार्मर्स, राइट। या फिर फार्मर्स विल फेस लॉसेस, बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे, द फार्मर्स विल फेस अ लॉट ऑफ लॉसेस इफ इट रेन्स। तो सेंटेंस अगर हमारा कहीं से शुरू हो गया तो हमको एंड करना आना चाहिए, और एंड करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर छोटे छोटे पोर्शंस हमको बताने आने चाहिए बस। हम क्या करते हैं, एक हिंदी का सेंटेंस पूरा एक वर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें बता क्या आ रहे हैं, फार्मर्स विल फेस लॉसेस, नुकसान हो जाएगा, यानी उनको उठाना पड़ेगा नुकसान, सामना करना पड़ेगा नुकसान का, फार्मर्स विल फेस लॉसेस, क्यों, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो, राइट। या फिर आप कहिए रेन विल कॉज लॉसेस फॉर द फार्मर्स, गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अगर आपका आलस आपको बहुत नुकसान देगा, आपका आलस्य आपको बहुत नुकसान देगा, आप बता करके देखिए कमेंट सेक्शन में, तीनों स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं, तीनों के बेसिस पे इस बात को आप बता सकते हैं, राइट। आपका आलस्य आपको बहुत नुकसान देगा, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश, राइट, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट, और अगर ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक।
तो सोच रहा हूँ कल से बच्चों की स्कूल की बस लगवा दूँ। ये तो बड़ी वाहियात सेंटेंस होते हैं, और मैक्सिमम होता क्या है कि हम अपनी हिंदी कॉन्वर्सेशन में ऊटपटांग सेंटेंसेस बोलते हैं, लेकिन उनका ट्रांसलेशन करके फिर हम सोचते हैं कि कोई मीनिंग निकलेगा। सोच रहा हूँ बच्चों की कल से बस लगवा दूँ, बड़ा कॉमन सेंटेंस है। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, तो थोड़ा बहुत तो आपको हिंदी को समझ के चलना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं बच्चों को सोच रहा हूँ कल से स्कूल की बस से भेजने लगूँ स्कूल। गेटिंग माई पॉइंट? बस लगवाने का क्या मतलब बनता है, लगवाई नहीं जाती है ना, बच्चों को भेजा जाएगा स्कूल। सो इसमें छोटे छोटे पोर्शन तोड़ के मुझे बोल देने हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ, कोई भी काम करने का अगर मैं सोच रहा हूँ तो सिंपल, आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, आई एम थिंकिंग ऑफ ओपनिंग अ शॉप, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑफलाइन, राइट? कुछ भी काम करने का सोच रहा हूँ तो आई एन जी लगा दूंगा। सो आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग माई किड्स, बच्चों को भेजने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल, स्कूल भेजने का सोच रहा हूँ। अब कैसे? बाय बस फ्रॉम टुमारो, कल से। सो आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल बाय बस फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो की जगह पर फिर ये ऑल्टरनेट्स कैसे पता चलेंगे? ओनली बाय लिसनिंग टू द इंग्लिश। आप कह सकते हैं स्टार्टिंग टुमारो, आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल बाय बस, गेटिंग माई पॉइंट? या फिर आप ऐसे कह दीजिए, आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल बाय बस स्टार्टिंग टुमारो। आप कह सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ सेंडिंग माई किड्स टू स्कूल बाय बस टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स कह दीजिए, स्टार्टिंग टुमारो कह दीजिए, फ्रॉम टुमारो कह दीजिए। और ये तीनों जो है, फ्रॉम टुमारो, स्टार्टिंग टुमारो, टुमारो ऑनवर्ड्स, पहले भी आ सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी फिट करे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको कैसे समझ में आती हैं, आपको सेंटेंसेस रियल सिचुएशन में सुनने पड़ेंगे। और आप हमारी लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप आएंगे 15-20 दिन में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में। एटमोसफेयर मिल जाएगा, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, जिनके साथ आप पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं अनलिमिटेड। कोई मंथली फीस नहीं चार्ज करते, वन टाइम छोटा सा रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं हम। उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिम्मेदारी उसके बाद हमारी है, राइट? सो लाइव क्लासेज में आइएगा, इसके बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इस सेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन,